कि कैसे पता करेंगे कि एक शहर की एयर क्वालिटी जो है वो दूसरे शहर से अच्छी है या ख़राब है कंपैरेटिव उसका और कंपैरिजन ना भी करें कंपैरिजन करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती अगर वहाँ पे जो शहरी हैं उनको बताना चाह चाहिए कि भाई आज जो है शहर की हवा अच्छी है कल जो है शहर की हवा ख़राब है इस तरह की खबरें तो देनी चाहिए ना किसी भी हुकूमत को तो आप अब से कुछ अर्से पहले तक के इसका कोई तस्वर नहीं था कि किस तो, कैसे इन्फॉर्मेशन ये दी जाए अब आज अगर आप किसी भी वेदर चैनल पे चले जाए ना और वेदर उसको क्लिक करें गूगल वे तो वो एयर क्वालिटी इंडेक्स साथ में बताएगा कि आपकी शहर की एयर क्वालिटी क्या है वो तो उसको कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स तो उस पर ये ये जो ये वाला मॉड्यूल है ना हम उसको डिवोट करेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को डिफ़ाइन कैसे करते हैं फिर उसके देखेंगे क्या एग्ज़ैम्पल्स हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की मुख्तलिफ दुनिया में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मुख्तलि गैसेस की कॉन्सनट्रेशन जिसमें बुनियादी तौर पर कार्बन मोनोआक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है ये चार होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का इतना काम नहीं होता कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का काम होता है ये तीन हाउ गैसेज उसके अलावा ओजोन ये चार उसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पी एम और पी एम टेन दो पी एम जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है वो वो है तो उसका सबसे आप किसी भी शहर की जाके देखें अब उसको उसको क्लिक करके देखें कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतनी ख़राब क्यों है निन्यानवे फीसद ये होगा कि उसमें पी एम टू पॉइंट फाइव पार्टिकुलेट मैटर टू पॉइंट फाइव माइक्रॉन वो उसके अंदर होते हैं तो उसकी वजह से सारी होती है और एक मत पार्टिकल पार्टिकुलेट हो गया आ, हवा में तो वो कुछ भी चीज़ें उसमें कंडेंस होती हैं तो वो फिर और भी बहुत सारा आ, उसमें ख़राबी पैदा हो सकती है तो वो पार्टिकुलेट मैटर जो है उसको देखना पड़ेगा वो कहीं कहीं से भी आ सकता है जैसे मैंने पता है गन्ना जलाने से गंदम जलाने से वो भी हो सकता है इंडस्ट्री होती है सीमेंट इंडस्ट्री हो वह भी हो सकती है गाड़ियों जो गाड़ियाँ जो चलती हैं स्पेशली डीजल इंजन जो चलता है उसमें से जो काला धुआं निकलता है वो क्या है पार्टिकुलेट मैटर यह है ना तो वो ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर इनऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर आयन नाइट्रेट और सारी चीजें जो है वो सारी उसके अंदर नजर आती है बहुत सारे लोग इसको स्टडी करते हैं किसी जगह जाके कैल सैंपल कलेक्ट किया फिर देखा उसमें क्या है फिर उसे पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा खराब कर रही है थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाता है ये मामला कि कहा जी ये बड़ी बड़ी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ से आ रहा है सारा पोल्यूशन आप जाके उसको समझाएं जी आप अपनी इंडस्ट्री बंद करें तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कहेगा तो इस वजह से थोड़ा सा ये होता है लेकिन बहरहाल बहुत सारी रिपोर्ट हैं लाहौर के बारे में भी रिपोर्ट है कुछ आपको मैं जी डेटा दिखाऊंगा और यहाँ पर लोकली जनरेटेड डेटा जो लोगों ने काम किया है इसके ऊपर लेकिन बहरहाल ये एयर क्वालिटी इंडेक्स एक स्टैब्लिश की गई है जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि हवा जो है कितनी अच्छी है कितनी खराब है उसकी बहुत सारी वैल्यूज हैं अब ये देखें 50 तक के एयर क्वालिटी इंडेक्स टू अगेन नंबर इंडिकेट्स द देशन ऑफ द गैस इज टॉक अबाउट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर पी एम टू एक से लेके पचास तक के अगर है तो आप आराम से सांस लें अच्छी हवा है और बहुत अगर आप किसी बाहर जगह पे जाना का तो वहां पे शायद ऐसे इस तरह का नंबर मिले अभी मैं आपको नंबर दिखाता हूँ पाकिस्तान के फिर मॉडरेट जो है उसमें वो पचास से ले कर सौ तक के आता है इसका मतलब है कि ठीक है काम चल जाएगा वो येलो वाला वो है और उसके बाद से जितने भी सौ से ऊपर जैसे चले जाएंगे ना वो सारे में कुछ ना कुछ ख़राबी पैदा होती जाएगी या पहले बच्चों को खराबी होगी बूढ़ों को खराबी होगी जो मरीज़ हैं उनको खराबी होगी जो लोग ज़्यादा एक्सपोज होते हैं बाहर उनको खराबी होगी फिर उसके बाद ऐसा आएगा कि सबको खराबी होगी है ना एक ऐसी नबीयत ऐसी आ जाती है जो तीन सौ से आगे ऊपर चली जाए तो ये नंबर्स हैं अब मैं आपको बाज़ नंबर दिखाऊं जब जो दिसंबर का महीना होता है ना जब ये जलना वलना फसल जलना शुरू हो जाती है अगर आप उसे चेक करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ की लाहौर की आठ सौ से ऊपर चली जाती है आठ सौ तीन सौ में लोग तकरीबन मरने के करीब आ जाते हैं लेकिन कभी कभी उन दिनों में आठ सौ से ऊपर चली जाती है नंबर तो वो तो बहुत ही डेंजरस हो जाता है तो यकीन हर शख्स को कुछ ना कुछ परेशानी होगी और मैं समझाऊंगा कि क्या क्या परेशानियां होती है आगे जाके तो ये पाकिस्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स मैप है 15 मार्च को 2023 की बात कर रहा हूं ये मैंने निकाला था साढ़े आठ बजे रात को ये वक्त पे भी डिपेंड करता है कि सुबह करें दिन को करें क्या क्या इंडस्ट्री चल रही है क्या क्या नहीं चल रही लेकिन ये दो का है मैप तो वो नंबर देख लें सब जगह सौ से ऊपर जहां भी है इसका मतलब है कि वहाँ मामला थोड़ा सा ख़राब है और साढ़े आठ बजे ज़्यादातर जो हमारा पोलूशन आता है वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आता है काफ़ी सारे लोग वैसे तो पाँच बजे से शुरू हो जाता है ये पोलूशन लेकिन आठ नौ बजे तक के चलता है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से गाड़ियाँ हैं उनका धुआँ है और ये है वो है सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं हमारे पास कुकिंग भी बहुत होती है आउटडोर कुकिंग लाहौर में तो बहुत ज़्यादा होती है उनका क्या है वो तेल जो जाता है वो कहाँ जाता है वहीं ऊपर जाता है उस खजा में रहता है तो वो सब कंट्रीब्यूट करता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर तो ये किसी वक्त भी जाके आप किसी जगह की दुनिया के किसी भी जगह के आप एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाल सकते हैं और ना ना सिर्फ निकाल सकते हैं ब उसको आप क्लिक करेंगे तो वो बताएगा कि आ, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे ये, ये मुतासर हो रही है या वो पी एम तो हमेशा होगा वो मैं गारंटीड होगा बाद जगह कार्बन डाई कार्बन मोनोआक्साइड कार्बन मोनोआक्साइड का तो नहीं नाइट्रस ऑक्साइड काफ़ी हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड कुछ जगह अगर ऐसी जगह है जहाँ वॉलकिनों वग़ैरह आस पास हों तो वहाँ सल्फर डाईऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो सारा आपको पूरी तफसल मिल जाती है कि क्या क्या चीज़ें ये हैं अब ये ये है दो हज़ार बाईस का डेटा है ये ऐसे ही ऑलमोस्ट कंपेरेटिव के मुख्तलिफ जगह पर मैंने जाके कलेक्ट किया कि यहाँ क्या क्या डेटा है काबुल अफ़गानिस्तान में दो सौ छतालीस तो मतलब जितना चाहिए सौ से कम पचास से कम तो बहुत अच्छी बात है कम अज़ कम सौ से कम उसे दोगुना बल्कि ढाई गुना वहाँ तक चला जाता बिश्क किर्गिस्तान मैंने बताया ये बिल्कुल लैंड लॉक्ड हैं तो इनमें बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ढाका कोलकाता फिर चाइना के बहुत सारी फिर लाहौर फिर कराची कराची और लाहौर दोनों टॉप टेन में आते हैं टॉप टेन में दोनों कराची और लाहौर इसमें मौजूद हैं और बाकी भी ममालिक आस के तो ये साउथ एशिया में काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है इस किस्म का और चाइना में तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है इन, इन चीज़ बड़ी बड़े बड़े शहर हैं तो उनकी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत गड़बड़ हो जाती है जो सबसे एवरेज क्वालिटी एयर क्वालिटी देखें ना तो नंबर वन बांग्लादेश नंबर टू पाकिस्तान ख़राब क्वालिटी की बात कर रहा हूँ अच्छी क्वालिटी की बात नहीं कर रहा तो ये सारी एवरेजेज हैं उसमें फिर मंगोलिया मंगोलिया का भी बिल्कुल लैंड लॉकड है उसमें बड़ा प्रॉब्लम है अफ़गानिस्तान इंडिया तो वही जो आपने पहले देखा था कि वो उम्र का घटना और कितने लोगों की सेहतों की खराबी और ये वो सब उसके अंदर हो जाती है और ये वो हैं जिनकी एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छी होती है अब वो हमारे पास जहाँ पे मैं रहता हूँ डेलावेयर में उमन अच्छी रहती है लेकिन काफ़ी दफ़ा ऐसा हो जाए वो हाईवे है एक वहाँ से गुजरती है हाईवे की वजह से थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड पार्टिकुलेट मैटर का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है तो कभी कभी पचास पचास और सौ के दरमियान ही रहती है सौ से ऊपर तो बहुत ही कम जाती है लेकिन ये कि बाकी जगह देखें वी एस वर्जन आइलैंड है बहामस हैं ये जो ऊपर वाली चीज दो ये जजायर हैं छोटे छोटे जजीरे हैं ना हवा चलती रहती है तो साफ़ होता रहता है इस वजह से उनकी पोल्यूशन और पॉपुलेशन भी बहुत कम है इतने छोटे हैं कि ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है तो वो उनके खैरियत ही रहती है आइसलैंड वालों ने बहुत मेहनत करके बहुत मेहनत करके मैंने आपको बताया था जियो जियो थर्मल एनर्जी में कि बहुत मेहनत करके उन्होंने अपनी सफ़ाई की अपने एटमासफियर की अब वो इस काबिल हैं कि वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा उनके एयर क्वालिटी इंडेक्स है फिनलैंड वग़ैरह सारे जितने भी हैं ना फिर ये सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज इसके अंदर आ जाते हैं उसके फिर वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं कि वो चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो हम शायद अपनी इकानमी की वजह से शायद ना कर सकें तो वो वो इसमें मैच हो जाते हैं लेकिन बहरहाल जो भी इकनॉमिक वजह है जो भी इकनॉमिक नई वजह है वो वो अलग बहस है लेकिन इसका यकीनन सेहत पर ज़रूर असर पड़ता है अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए